मेरा नाम परेश है और मैं एक शराबी हूँ और थैंक यू वेरी मच संदीप जी आ, आपने ये मौका दिया कि आज के ये स्पेशल मीटिंग में आ, मैं मेरे अनुभव के साथ आ, जो भी मेरे लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस लिया है आ, वो एक्सपीरियंस को आ, मेरे सब भाइयों के साथ बांट सकूं उनके अनुभव से मेरी सोबराइटी दिन ब दिन बढ़ रही है तो आज के ये सुनहरे अवसर पर डेफिनेटली ये जो फ्रेज जो मुने डे फर्स्ट से सुनी है कैसे लागू हुई परिवर्तन हुआ मेरे लाइफ में क्या अच्छी चीजें हुई क्या बुरी चीजें हुई और इसका मुझे व्यक्तिगत अनुभव क्या फायदा हुआ और सब शेयरिंग के माध्यम से भाइयों के साथ शेयर करना चाहूंगा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज तक अभी यहाँ पे फिफ्टी पार्टिसिपेंट है और बहुत अलग अलग जगह से है जैसे कोई बिहार से है, यूपी से है, दिल्ली से देहरादून से औरंगाबाद से आई एम वेरी ग्लैड की जो अलग अलग से आ रहे हैं और जो, बोलते ना में जो मुझे की so आज के सुनहरे अवसर पर संदीप जी आपने अपने और आपके पूरे टीम ने अः आज का ये टॉपिक रखा तो मेरे भाइयों फिर एक बार मेरा नाम परेश और मैं शराबी हूँ लेकिन आज और शराब के पहले घोट से बिल्कुल दूर हो और दूर होने के लिए एक ही एक ही संगठना एक ही फेलोशिप एक ही ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे पीठ के ऊपर हाथ रख के बोलती रही कि परेश तू बढ़ हम है तेरे साथ में ओ है मेरी अल्कोहलिक एनिमस एंड एम वेरी ग्लैड दैट आई एम द मेंबर ऑफ अल्कोहलिक एनिमस सो मुझे मालूम है कि ये फेज मैंने सबसे पहले जब मैं 2012 में अल्कोहलिक एनिमस में आया था uh, तकरीबन मेरा एज था कुछ ट्वेंटी आई आई रिमेम्बर की साल के Uh, कुछ अच्छे सफर के बाद या कुछ बुरे सफर के बाद मैं में आया था और तब मुझे पहली बार थाना में ये फ्रेज पता चला कि दिस टू पास मतलब मुझे हर एक भाई ये बोलता था कि परेश कोई दिक्कत नहीं तू बहुत यंग है तू बहुत एनर्जेटिक है तू एजुकेटेड है ब्ला, 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 तेरे लाइफ में ये हुआ वो हुआ ठीक है परेश ये भी दिन जाएंगे आते रहे भैया आते रहे सो so, दोस्तों अः uh, ये मेरा बैड लक था और

घर में अल्कोहलिज्म बहुत बचपन से ही देखा था मतलब मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि जब से मेरा जन्म हुआ था तब से अल्कोहलिज्म के जो फटके होते हैं जैसे मेरे अभी बाबा साहब भाई ने कहा कि अल्कोहलिक एनोनिमस में तो आते आने के बाद पता चलता है कि जो तो स्पिरिचुअली अवेकिंग ने लेकिन जब मैं बचपन में था तब मुझे आज भी पता है कि पापा का घर में शराब पी के आना पापा का वो राउंडर क्लब शराब पीना उसके वजह से पूरे घर का एटमोसफेयर जो था वो पूरा बदल जाता था और हमेशा मुझे ये कठिनाइयों में जीना पड़ता था कि यार ये मेरे लाइफ में ही क्यों Why I am so much unlucky that this everything has happened with me only? गरीब कुटुंब से बिलोंग करना मेरे हाथ में नहीं था लेकिन मैं गरीब कुटुंब से बिलोंग करता था मेरे माँ बाप को उन्होंने चाहिए थे ये मेरे हाथ में नहीं था लेकिन तभी भी ये मेरे साथ हो रहा था

खाने की नौबत आना मेरे ही घर में रोज झगड़ा चलना मेरे ही घर में गाली गरोज चलना मेरे ही समाज में मेरी और मेरे कुटुंब की कुछ भी इज्जत नहीं रहना और शायद बचपन में मैं ये सोचता था आ, कि ये सब चीज मुझे अगर परिवर्तन करना है तो परिवर्तन मैं करूंगा और उसके लिए जरूरी रहेगा शायद मेरा एजुकेशन दिस टू पास ये था ना ये माइंड में शायद मेरे बचपन में ही ये घुस चुका था कि जो भी चीज मैं मेरे समाज में मेरे घर में मेरे आजू बाजू में मैं देख रहा हूँ और तो शायद मैं बदलूंगा और वो बदलने का मौका मुझे जब बड़ा हो जाऊंगा तब तो बिल्कुल मिलेगा और वो बदलने के लिए मैंने धीरे 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 दी पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने लगा लेकिन मेरे भाइयों आज जो uh, जो होता है मेरे को आज भी uh, याद है और तो अनुभव में बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा कि मैं 90 तक 9th स्टैंडर्ड में आने तक एक ऐसा शरारती बच्चा था जो ना ही खुद के कदमों के ऊपर खुद के मार्क्स के ऊपर खुद के कॉन्फिडेंस uh, के ऊपर पास हो पाता था हमेशा हमेशा रेड मार्क वाला पॉइंट uh, आ जाता था रिजल्ट पे मम्मी गाली देती थी बहना गाली देती थी भाई गाली देता था पिताजी गाली देते थे सब समाज बोलता था ये अच्छा लड़का नहीं है ये ये भी गया पप्पा जैसा ही बिगड़ गया और ये जब ताने जब ताने मुझे सुनने सुनाई आते थे या मेरे आजू बाजू वाले समाज के जो लोग थे जो मेरे दोस्त थे वो दोस्त के पेरेंट्स जब बोलते थे ना कि ये परेश के साथ तू नहीं रहेगा तो बाकी किसके साथ भी रहे तू तो परेश के साथ नहीं रहेगा क्योंकि मैं झगड़ा करता था मैं मस्ती करता था मैं, मेरे को, को कोई भी चीजें अच्छी अच्छी ढंग से करने को नहीं आती थी मेरे को पढ़ाई करने बोलो तो मैं दूसरी जगह पे कॉन्सेंट्रेट करता था लड़ाई झगड़ा ये सब चीजों में माहिर था जब मैं नाइन्थ तक आया तब तक

वो मैंने घर में बचपन से देख रहा था और मेरे मन में यही था कि दिस टू पास ये चीज बदलना है परेश ये चीज बदलना है नाइन्थ में जब फेल हो गए हम तो uh, वो अंदर से आवाज आई कि परेश अगर तुझे ये चीज बदलना है इफ यू रियली वांट टू पास दिस टाइम इफ यू रियली वांट टू चेंज दिस टाइम यू हैव टू डू समथिंग देन आई आई हैिमेम्बर नाइन्थ में था तब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया दसवीं में फिफ्टी फोर परसेंट दैट वॉज ग्रेट यू नो फॉर मी कि मेरे जैसा मस्ती मेरे जैसा पढ़ाई न करने वाला लड़का 54 परसेंट से जब पास होता है तो उसके लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि यस, जो ख्वाब मैंने बचपन से देखा था कि आई नीड टू चेंज माई फिनेंशियल कंडीशन आई नीड टू चेंज माई मटेरियलिस्टिक थिंग्स आई नीड टू चेंज माई एवरी वो चीज बदलने का अब मौका आया है पर लाइफ में।, में क्या हुआ? पापा शराबी थे इट्स ओके नो इश्यू अभी ये तो चीज बदल सकता है और वो चीज बदलने के लिए मेरा पहला कदम लगा दसवीं का रिजल्ट लगा था और शायद वो दिन जो हुआ मेरे साथ अगर उस दिन मुझे अल्कोहलिक एनिमल्स का पता चलता था तो शायद मैं कभी आगे जाके शराबी नहीं होता था इससे मुझे लगता है लेकिन शायद पे काम नहीं होता है मेरे दोस्तों जो मेरे खुद के अनुभव है और भगवान को कुछ तो अलग आ, उसका कुछ तो अलग प्लान रहेगा मैं जब टेंथ का रिजल्ट आया मैं मेरे साथ, मेरे साथ दो दोस्त हम तीनों जन मिलके, तीनों जन मिलके मिलके दैट वाज द वंडरफुल डेज इन माय लाइफ तीनों एक बियर का बॉटल लाइफ में पहली बार आया और बियर का ढक्कन खोलने से पहले सो बार थॉट में ये आया था कि परेश पिताजी ने क्या करके रखा है घर गर घर में परेश पिताजी के वजह से घर में पूरा माहौल चेंज होते रहता है रात रात भर तुझे मम्मी को तुझे तेरे भाई बहन को सबको घर के बाहर निकलना पड़ता था जब पिताजी घर में आके तमाशा करते थे और सब चीजें मुझे और पहला ढक्कन खोलने से पहले याद तो आ रहे थे और थॉट में आ रहे थे लेकिन एक्शन प्लान नहीं हो रहा था एक्शन प्लान मेरे दोस्तों ये हुआ कि वही दिन ये चीज है ईयर ऑफ टू थाउजेंड थ्री दो हजार तीन की ये बात रहेगी जब पहली बार और बियर का ढक्कन मेरे से खुला और बियर का ढक्कन खुलने से पहले जो सो थॉट आए थे कि तेरे घर में क्या क्या मुसीबत आई है ये शराब से और पहला ढक्कन खुला तो सब ऐसा लगा कि शायद मेरे पिताजी को अच्छी तरीके से दारू पीना नहीं आया रहेगा मेरे मम्मी को अच्छी तरीके से दारू पीना नहीं आएगा मैं दारू पीऊंगा और दोस्तों माहौल अच्छा था मुझे लगा ये जो परिवर्तन मुझे करना है आई नीड टू चेंज दू नो तीन थी चीज जो मुझे मेरे मन में थी कि एक तो सबसे पहले तो मटेरियलिस्टिक थिंग दूसरा फिनेंशियल तीसरा सोशल फॉरगेट अबाउट द स्पिरिचुअल एंड एवरीथिंग वो तो मुझे पता भी नहीं था ना छोटा बच्चा था तो तीन चीज जो परिवर्तन की मुझे मेरे लाइफ में चेंज करनी थी वो दसवीं में मेरे थॉट में आया लेकिन वो थॉट को इंस्पिरेशनल में लाने के लिए वो पहला जब बियर का घोट मेरे पेट में गया वाओ दैट वाज द वंडरफुल डेज इन माय लाइफ वो बियर में पी पी गया मेरे साथ मेरे दोनों भी दोस्त अच्छी तरीके से वो पहली बोतल पी चुके थे और वो परिवर्तन की वो सीमा में लांगने लगा और वो परिवर्तन के लिए मैं रेडी था परेश रेडी था 2003 में कि नाउ आई नीड टू चेंज एवरीथिंग दोस्तों लेकिन शायद नीति को शायद भगवान को कुछ तो अलग मानना था 2003 में पहली बार लाइफ में आई हुई शराब अब 2013 तक 10 साल मेरे भाई ने अभी कहा वी वी वेयर बॉटमलेस वी आर बॉटमलेस एंड वी विल बी द बॉटमलेस ये आज पता चलता है लेकिन दसवीं में मुझे पता नहीं चला कि ये बॉटम कहाँ पे जाने वाला है फिर धीरे 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 उसकी मात्रा बढ़ने लगी जो परिवर्तन मुझे लाना था मेरे लाइफ में जो दिन चेंज करने थे आप मेरे लाइफ में, में कुछ तो अलग काम कर रही क्योंकि होता ही ऐसे था ना होता ही ऐसे था जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता था शराब पीने के बाद मेरे लाइफ में ऐसा कुछ तो पढ़ना चेंज होता था कि मैं पढ़ाई करता था और पढ़ाई का रिजल्ट भी ऐसे आता था कि मैं अव्वल आने लगा क्लास में मेरी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ने लगी मैं मॉनिटर होने लगा क्लास में लड़कियां मेरे से बात करने लगी समाज मेरे प्रति एक अच्छे भाव से देखने लगा मैंने स्लोली स्लोली बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया मेरे मैंने खुद के क्लासेस स्टार्ट कर दिए मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी है दसवीं का वक्त गुजरा ग्यारहवीं बारहवीं दो साल शराब ड्रिंकर ड्रिंकर सोशल सैटरडे दारू संडे दारू ओ धीरे 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 मुझे ओ शराब के प्रति प्यार बढ़ने लगा और वो मेरा प्यार ऐसा था जो हम लोग बोलते हैं कि मेरा पहला प्यार है तू तो। जो हम लोग बिलो बिलोफिया के ऊपर प्रति जो पहला प्यार रखते थे उस तरह का मेरे भाइयों पहला प्यार था और शराब का पहला प्यार इतना मजा दे रहा था मेरे लाइफ में इतना मजा दे रहा था कि मुझे लगा था ये तो स्वर्ग है दिस इज माई पैराडाइज I don't want to leave this. This paradise मुझे नहीं छोड़ना क्योंकि परिवर्तन तो हो रहा था ना जो चीजें मुझे धीरे धीरे बदलनी थी वो बदलने का एक एक दिन से प्रयास हो रहा था वो प्रयास में मैं कामयाब बिल्कुल हो रहा था 2006 तक 2006 तक मुझे आज भी पता है बियर ही पी रहा था बियर का परिवर्तन कुछ ज्यादा नहीं हो रहा था कबड्डी के मैच जीते बियर पिया ओके कुछ लाइफ में अच्छा हुआ बियर पिया कुछ जब मैं अठारह साल का तकरीबन हो चुका था और मुझे वो मजा दे रही थी दारून वो मजा की सजा बिल्कुल तुरंत ही बदलने वाली थी मुझे आज भी पता है वो मेरे लाइफ का वर्स्ट डे था जहां से मेरी वस्त और वस्त और वस्त के प्रति बढ़ने वाली थी पास ये लाइफ में जो बुरा दिन में बोल रहा हूं ना जो बुरे दिन कि की धीस पास ये भी दिन जाने वाले थे और इससे बुरे दिन आने वाले थे शायद मुझे वो तब नहीं पता चल रहा था क्योंकि ये स्लोगन ना मुझे मेरे अच्छे काम में तो बिल्कुल मदद करता है लेकिन बुरे बुरे जो वक्त होता है वो बुरे वक्त में भी मुझे मदद करता है धीष्ट उशाल पास मुझे वो समय जब मेरे अच्छे दिन थे और मुझे थॉट में नहीं आ रहा था कि परेश तेरे ये अच्छे दिन जाने वाले हैं दिस टू शैल पास और तेरा बुरे दिन में परिवर्तन होने वाला है दोस्तों एग्जैक्टली exactly वैसे हुआ मेरा बारहवीं का रिजल्ट आने से पहले मेरे पिताजी की मौत हो चुकी थी और एक्सीडेंटल मौत हुई और मुझे आज भी वो पता है कि Uh, जो दुख बिकॉज आई एम एन एंड आई आई एम नॉट एबल टू मैनेज माई इमोशंस मैं मेरे खुद के इमोशंस मेरी भावनाओं को मेरे एंगर uh, को मेरी एंजाइटी को मैं मैनेज करने के लिए असमर्थ हूं ये मुझे तब पता चला जब मेरे पिताजी की मौत हुई मेरे पिताजी बॉडी घर में आ रही थी और वो पिताजी के बॉडी को मैं देखने के लिए असमर्थ था क्योंकि वो इमोशंस में हैंडल नहीं कर पा रहा था मेरे घर में दुख की भावना हो चुकी है दिशुशाल परिश ये दुख भी निकल जाएगा और ये दुख निकालने के लिए तेरे साथ एक ही सहारा है और वो मेरी सहारा थी वो मेरी बिलोफियां से मेरी दारू मेरी शराब दोस्तों पहली बार लाइफ में विस्की आ गई और विस्की भी मैंने कची पीली घट गट घट गट, -गट, 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 -गट जब विस्की वो पेट में गई वो जो सुकून मिला ना उस सुकून से मेरे पिताजी के बॉडी को मैं अंदर ले आ चुका मेरे घर में रो सका मेरे सब फैमिली वालों को बता सका कि मुझे भी दुख हो रहा है मुझे भी भावना है वो मेरी जटिल हो रही है मुझे भी बहुत बहुत बुरा लग रहा है लेकिन एक्चुअली वो मेरी ओरिजिनल भावना है, नहीं थी वो मेरे शराब ने दिए हुए मेरे आंसू थे शराब ने पागलपन की तरफ वो पहला एटीट्यूड मुझे परिवर्तन में लाया जब वो 2006 की बात रहे कि जब पिताजी की बॉडी घर में आई और ओ, मेरे इमोशंस के लिए ओ, मुझे ये सोल्यूशन दैट सोल्यूशन इज अल्कोहल तो 2006 के बाद धीरे 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 बढ़ती रही मात्रा ओ, मुझे आज भी पता है ग्रेजुएशन होने तक तीन साल में तीन साल में जो शराब में दसवीं में पिया था बियर बियर का परिवर्तन हो गया और क्वार्टर में पास ये भी दिन निकल अच्छे दिन निकल निकल गए गए अच्छे जो शराब मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा था वो अच्छे दिन निकल गए टू शाल पास मेरे लाइफ से वो अच्छे दिन चले गए अभी जो भी होना था वो बुरा 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 ही होना था और उसके लिए जवाबदार केवल एकम व्यक्ति था और मैं खुद था ये मुझे अल्कोहलिक बाद बाद आने के बाद पता चला लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड पे शराब पी रहा था तब तो मैं सब लोगों को दोषी मान रहा था मेरी दोषी है दोषी है, 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 सब, सब है, है मेरे ये बुरे दिन आज जो आ रहे ये दिश विशाल पास हो रहा है मेरे लाइफ में ये सबके लिए कारनीभूत ये सब समाज के गधे परेश तो खुद के प्रति देखने के लिए असमर्थ था क्योंकि लाइफ में एक्टिव अल्कोलिज्म बहुत ही गंदी तरीके से चल रहा था और अच्छे दिन चलेगा ये मेरे दोस्तों लाइफ के वो पढ़ाई करने वाला इंसान धीरे-धीरे अभी वीक हो गए होने चला गया लाइफ में जो अच्छे प्यार करने वाली प्रेयसी थी वो भी चली गई लाइफ में जो अच्छा भाई था जो बहन थी जो मम्मी थी जो क्लासेस में बढ़ा रहा था वो धीरे-धीरे धीरे-धीरे बिष्ट विशाल पास अच्छे दिन का परिवर्तन मेरे बुरे दिन में होने लगा 2009 तक मुझे आज भी पता है कोई भी दोस्तों के पास जाता था दोस्त मुझे नकार देते हट 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 ये शराबी है दूर रहो इससे परेश भैया अभी शराब पीना चालू कर दिए है क्योंकि होता ही ऐसा था ना साला मेरे साथ क्या होता था मैं कॉन्फिडेंस जैसे आता था चलो बच्चों आज पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और एकेडमिक पढ़ाने से सेक्सुअल सब्जेक्ट जो मेरी नीति में नहीं था लेकिन जब वो शराब मेरे दिमाग में आती थी भैया तुझे मैथ्स पढ़ाना है तुझे साइंस पढ़ाना है तुझे एकेडमिक पढ़ाना है ओके और मैं अलग टॉपिक पे जाता था स्पेशली सेक्सुअल सब्जेक्ट के ऊपर जाता था स्पेशली मैं कुछ अलग टॉपिक पढ़ा लेता था और मुझे दूसरे दिन वो पश्चात होता था, था कि परेश सला रहा।

जो भी होना था अभी धीशाल पास अच्छे दिन के बाद बुरे दिन आने लगे धीरे 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 समाज में और बोलते हैं ना बिकॉज लैंग्वेज uh, uh, से और बॉर्न एंड बॉटम नहीं कहूंगा लेकिन अनुभव से तो टीचर बन, बनने चला था लेकिन टीचर की भी वो सीमा मैंने लांग ली थी बिकॉज टीचर के लिए भी मैं असमर्थ था एकेडमिक पढ़ाने से इंस्टेट ऑफ टीचिंग टू टू एकेडमिक आई टीच समथिंग एल्स जो मेरे नैतिक जिम्मेदारी मेरी नहीं थी और ये सब क्यों हो रहा था इसका एक मात्र कारण था मैं और मेरी शराब क्योंकि सलाह शराब के बिना मैं रुक ही नहीं पाता था रोज साढ़े आठ नौ टन 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 घंटा बजती थी मम्मी रसोई घर में किचन में मम्मी कुछ तो खाना बना रही है और मैं शायद वो ग्रेजुएशन का समय रहेगा 2009 का मम्मी अंदर किचन में कुछ तो खाना बना रही है मैं बाहर के रूम में था जहाँ पे मुझे बच्चों को पढ़ाना है

जो मग से हम लोग नहाते वो मग में ही पानी लेता था उसमें ही वो क्वाटर डालता था और घट घट -गट, गट 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 के इसे एक बार वो घुटन हो जाती थी वो एक बार शराब अंदर कब जाएगी इसके लिए पास मेरे लाइफ के वो अच्छे दिन चले गए थे और शराब का परिवर्तन था अभी ना मुझे चखने की जरूरत थी ना मुझे अच्छे कांच वाले ग्लास के जरूरत की जरूरत थी ना मुझे सोडे की जरूरत थी ना बर्फ की जरूरत थी ये सब चीज मेरे लाइफ से चली गई बचाओ टॉयलेट का पानी, पानी और ड्रम आज भी वो नीला ड्रम नीले कलर का ड्रम आज भी यहाँ पे याद है और तो नीले कलर के ड्रम से जो पानी से हम लोग नहाते थे जो पानी टॉयलेट के लिए यूज करते थे पास ये भी पानी मुझे चलता था शराब के लिए क्योंकि शराब एकमात्र मेरे लिए सोल्यूशन था मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कभी नहीं सोचा था कि मेरा कॉन्फिडेंस जो दो साल में ग्यारहवीं बारहवीं के वक्त में शराब ने बढ़ाया था वो मुझे इस तरह से ठोकर खाने के लिए मजबूर करेगा कि मैं मेरे खुद के घर के टॉयलेट के पानी से खुद की शराब पी जाऊंगा और मैं आता था कॉन्फिडेंस से बच्चों को पढ़ाता था बच्चों को भी अभी समझ आता था क्योंकि वो जवान हिलने लगती थी तो बच्चों को पता चलता था कि भैया ये शराब पी क्या आया है धीरे धीरे ये सब चीज चलती गई लाइफ से समय आया 2010 का और मुझे आज भी पता है और देशी दारू में परिवर्तन हो चुका था और ये सब चीज मेरे लाइफ से चली गई थी अभी सिर्फ बचा था और मतलब परेश अलोननेस तुशाल पास अच्छे दिन लाइफ से चले गए दोस्तों और बुरे दिन में बिल्कुल कोई साथ नहीं देता है और तो हम सबका अनुभव है और उसके लिए जिम्मेदार भी मे ही था यह आप सब भाई ने मुझे बताया कि परेश तेरे साथ जब सब अच्छे लोग थे साला तब तूने उसका वैल्यू किया क्या माय आंसर इज नो तेरी मम्मी तुझे अच्छे तरीके से समझाती थी तेरी बहन तुझे अच्छे तरीके से समझाती थी तेरा भाई तुझे अच्छे तरीके से समाज समझाती थी तेरा समाज तुझे अच्छे तरीके से समझाता था जब ये सब चीज लोग तुझे अच्छी तरीके से समझाते थे, थे तब तेरा एटीट्यूड कहा था भैया तेरा एटीट्यूड तेरे ही खुद के अनुभव में था नहीं यू 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 आर 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 समथिंग 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 ग्रेट 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 एंड आई आई एम एम ने दस तक मुझे मेरे को अकेला अकेला महसूस होने लगा और दस दो हजार दस के वो अनुभव मेरे साथ जुड़े हुए थे कि उशाल पास अच्छे दिन के बाद बुरे दिन थे और बुरे दिन में भी बुरे दिन ये थे कि मेरी खुद की फिजिकल कंडीशन ये नहीं थी कि मैं खुद मेरे खुद के हाथों से दारू पी सकूंगा या शराब पी सकूंगा मुझे आज भी पता है हम ना पैसा होता था एजुकेटेड एजुकेशन था लेकिन वो खाक में मिल चुका था क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं था एजुकेशन का कुछ मतलब ही नहीं था मेरे पास ओ एजुकेशन भाड़ में गया मेरे पास तो एक ही मकसद था कि भाई अभी शराब पी के मरना है ओके और उस तरह से सब फ्रेंड माहौल सब वैसे ही बनते रहा और आज भी वो सब अनुभव मुझे पता है कि जब घर में पैसा नहीं होता था तो क्या होता था मेरे साथ क्या होता था मैं घर में जाता था झगड़ा करता था अच्छे दिन का बुरे दिन में परिवर्तन हुआ बुरे दिन का वस्ट ये होता था कि जब मेरी मम्मी मुझसे पैसा नहीं देती थी जब मेरे बहन मुझे पैसा नहीं देती थी खुद तो खुद को फिजिकली हरेसमेंट करने के लिए मेरे घर में जो कंप्यूटर था मेरे घर में कुछ भी जैसे आज भी वो दिन याद है कि कबाट मेरे घर में था वो कबाट के ऊपर कांच लगी थी मेरे मम्मी को बोल रहा था कि मम्मी प्लीज पैसा दे मम्मी प्लीज

पे जब मारने में मजा आ रहा था मुझे तब मेरे मम्मी को दिखाया कि मम्मी तू पैसा नहीं दे रही ना देख तेरा बच्चा क्या करता है अभी अभी तो तो पैसा देगी अभी तो देगी ना मम्मी ने चुपचाप वॉलेट में से निकाल के कुछ बीस पच्चीस रुपया दिया रहेगा मैं बाहर में गया देशी दारू का खड़े खड़े ग्लास पिया जब पिया तब खुद को ही कोसते रहा कि परेश दिस टू शैल पास तेरे लाइफ के तो अच्छे दिन साला गए तेरे लाइफ के बुरे दिन भी गए एंड यू आर बॉटमलेस मेरा भाई जो कह रहा था ना यही मेरा बॉटमलेस था कि मुझे पता ही नहीं है साला मेरा बॉटम कहाँ पे आई डोंट नो वेर इज माई बॉटम जब वो शराब पेट में गई तब पता चला कि मैंने घर में पांच मिनट पहले क्या करके मम्मी से पैसा लिया था इसको आप सबने मेरे भाइयों ने बताया ये परेश ये तेरा स्पिरिचुअल अवेकिंगनेस था ये तेरा स्पिरिचुअल अधपतन था ये तेरा स्पिरिचुअल अनुभव था कि ये सब चीजों के वजह से तू और दीन बर दीन, और दिन 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 होते गया पास मेरे लाइफ में वो सब चीजें धीरे धीरे करके जाने लगी मम्मी का प्यार चला गया मम्मी का तो बच्चे के ऊपर प्यार आखिरी दम तक होता है लेकिन शायद मम्मी ऐसा सोचती रहेगी कि यार ये मरेगा तो और अच्छा रहेगा क्योंकि उसका दुख जो मम्मी जो बच्चे का दुख कोई भी मम्मी नहीं सहन करना चाहती है ना कोई बहन सहना सहन करना चाहती है ना कोई भाई सहन करना चाहता है और क्या क्या, क्या मैं इसके लिए बना था उसका था उसका बिल्कुल बिल्कुल नहीं भील्कुल नहीं ना मेरे दोस्तों यह आज पता चलता है क्योंकि मैं आज जिंदा हूं आप सबके वजह से यह आज पता चलता है अलकोली के वजह से कि मेरा जन्म इसके लिए नहीं हुआ था मेरा जन्म उसके लिए हुआ था कि मैं कुछ अच्छा इंसान बन पाऊ और ये स्लोगन मेरे लाइफ में परिवर्तन आने के लिए वो साल निकला 2013 क्योंकि समय कम है मैं थोड़ा आगे जाऊंगा वो परिवर्तन लाने के लिए मेरा समय आया 2013 जब मुझे याद है कि ये सब अनुभव से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और धीष्ट विशाल पास ये तो गंदे दिन गए गंदे से वस्त्र दिन भी चले गए और वस्त्र दिन चलने के बाद वो तो बोलते है ना कि जब खेती होती है तो खेती में फर्टिलाइजर्स यूज होता है और फर्टिलाइजर फर्टिल, से फर्� एक नया जो क्रॉप है वो नया क्रॉप आता है शायद मेरे एजुकेटेड था, था तो मेरा दारू ये समस्या थी वो तो मुझे मालूम थी और सॉल्यूशन पाने के लिए मैं एक डॉक्टर के पास जाने वाला था और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक बोर्ड पढ़ा क्या दारू ये आपकी समस्या है अगर है तो विनामूल्य सहकार्य यह विनामूल्य जो वार्ड है ना मेरे भाइयों ये मुझे अट्रैक्ट करके चला गया क्योंकि मेरी फटी पड़ी थी ना मेरे पास पैसा था एजुकेशन था लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था समाज में इज्जत बिल्कुल चली गई थी दृष्टु काल पास सब बुरा वक्त देखा था लेकिन ये वक्त जाने वाला था जो मैंने वो पहली बार देखा स्लोगन विना मदद। और अल्कोलिक एनिमस okay, का पहले दिन में बहुत रोह आप सबके अनुभव से आप सबने इतने गंदे अनुभव बताए मतलब गंदे बोलने से अच्छा वो, बोलते ना फ्रॉम ऑफ द हार्ट यूर शेड युवर एक्सपीरियंस एंड डायरेक्टली टू माई हार्ट से तेरे साथ जो तुझे लग रहा है ना परेश ये बुरा है बुरा है बुरा है वर्ष 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 परेश हम लोग ऐसे इंसान है भैया तेरे से सो गुना बुरा चीज हम लोग देखे और आज हमारे चेहरे की हंसी देख मेरे भाई आज जो आनंद है क्या तू ये आनंद अपने चेहरे पे लाना चाहता है फटाक से मेरे चेहरे पे वो स्माइल आई जी सर जी जी मेरे भाई मुझे भी वो आनंद चाहिए मुझे भी वो हैप्पीनेस चाहिए मुझे भी वो अच्छी लाइफ चाहिए मुझे भी वो मेरी फैमिली चाहिए मुझे भी वो मेरी मम्मी चाहिए एवरी थिंग आई नीड क्या करना है बोलो ना आपने बताया कुछ नहीं करना है भाई ये हाथ हमारा है तेरा एक हाथ इसके ऊपर चल हमारे साथ कुछ चमत् हमारे साथ चलने के लिए तेरे को एक नियम का पालन करना पड़ेगा तेरा 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 एजुकेशन, सब बाहर तो पड़ेगा और ईगो क्या रहेगा एट द एंड मतलब जब सब कुछ गया है लाइफ से तब ईगो बिगो सब गया था और परिवर्तन तो लाना था लाइफ में आपके हाथों में हाथ दिया और लाइफ में और दिश विशाल प्लास का स्लोगन का अर्थ बदलने लगा 2012 में, में मेरे भाइयों जो धिष्टुशाल पास अच्छी चीजों से बुरी चीजों के वक्त लेके गया बुरी चीजों से वर्ष चीजों के ऊपर लेके गया वही धिष्टुशाल पास आप सबने बताया कि परेश कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई तेरा अनुभव ये एकमात्र वन परसेंट रहेगा तुझे इससे सौ प्रतिशत गंदे वाले अनुभव मिलेंगे जिनके लाइफ से इससे बढ़िया सीन हुए हैं पांच बजे दारू पी के उट, उ, पीने के लिए उठता था तो तुझे ऐसे भाई मिलेंगे यहाँ पे जो दो बजे दारू पीने के लिए उठते थे तेरी अगर बीबी नहीं बिकॉज आई वॉज नॉट मैरिड ओके तो तेरी फीस फ्य, से छोड़ के चली गई साल का संसार यहाँ पे टूटा हुआ दिखाई और फिर जुड़ते हुए दिखाई चलना न भाई आपके हाथों में आ दिया और दोस्तों परिवर्तन होने के लिए चेंज होने लगा दिस टू पास दिस टू पास एक एक दिन के हिसाब से वो चेंजेस होने लगा दो हजार बारह तीन चार महीने एक बार मेरी ठोकी इस तरह से कि जब मेरे जैसा नौजवान आते हैं जब ट्वेंटी फोर अल्कोहलिक एनिमल्स में आता है तीन चार पांच महीना अच्छा जाने के बाद और फिर एक्टिव्यूट आता है मेरे जो नया भाई रहेगा ना उसको हाथ जोड़ के ये बोलूंगा जो अनुभव मैंने लिया है ना भाई तू अनुभव

दिस 20 साल बाद अच्छा 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 अच्छे दिन आने लगे लेकिन मैं इतना एटीट्यूड वाला लड़का हूँ क्योंकि मैं शराबी हूँ और मुझे ये अच्छी चीजें भी खुद के साथ होने वाली ना मुझे खुद को भी पसंद नहीं आती है जो मुझे बाद में पता चले कि मैं मेरी खुद की जो भी अच्छी चीज होने वाली है ना उसको भी नष्ट करने के लिए मैं जिम्मेदार जब, हूं क्योंकि 3 4 महीने के बाद है अपन है भाई आपका हाथ धीरे धीरे जो आपके हाथों में रखा था ना मेरे भाइयों हो धीरे 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 निकलने लगा क्योंकि ख्वाहिशी फिर आने लगी लगे फिर एजुकेशन का एटीट्यूड आने लगा फिर ख्वाब देखने लगे फिर चेंजेस लगा फिर पैसा कमाना फिर 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 मटेरियलिस्टिक चीज सब सब चाहिए सब चाहिए सब चाहिए धीरे धीरे आपका हाथ छूटने लगा धीरे धीरे मीटिंग से दूर होने लगा और विद इन फिफ्टीन टू ट्वेंटी और यहाँ पे ये बताया जाता है कि अगर मैं अल्कोहलिक में आने के बाद क्योंकि मैं गॉड का बंदा हूँ मैं भगवान का बंदा हूँ अगर मैं शराब आप सबका नहीं सुना आप सबके भाइयों का अनुभव नहीं सुना तो जो चीज मैंने अभी तक नहीं देखी है वो चीज से बहुत गंदी चीज मैं आप सबके साथ अगर रहूंगा और आपका नहीं सुनूंगा तो सब चीज मुझे देखने लगेगी और दोस्तों एग्जैक्टली वैसे हुआ मेरे लाइफ में आज भी पता है 2012 के छह महीने बाद तकरीबन एक साल 10 नवंबर 2013 तक आपका नहीं सुनते रहा खुद का एटीट्यूड चलाने चलाते रहा अलकुलन मस में आते रहा जाते जाते में आने के पहले नहीं गवाई थी वो सब चीज एक एक, 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 एक एक दिन के हिसाब से चलने लगी मेरे दोस्तों क्योंकि आपने तो हाथ बढ़ाया था लेकिन मैंने खुद वो हाथ निकाल लिया था शायद आई कैन एबल टू मैनेज माई ओन लाइफ शायद माई एजुकेशन कैन एबल टू मैनेज माई का हाँ आ आ और जो लाइफ में गंदे अनुभव नहीं देखे थे और सब मुझे लेने पड़े और सब अनुभव के साथ दो बार तीन बार चार बार रिया में चार बार रिया में जाने लगा तीन तीन बार तीन तीन बार जब मुझे आज भी पता है कि और लास्ट अनुभव शेयर करूंगा और आगे पढ़ूंगा क्योंकि समय भी बहुत कम बचा है मेरे पास और जो लास्ट अनुभव था 9 नवंबर 2013 का कि लास्ट टाइम जब मुझे

चौथी बार जो 9 नवंबर 2013 का वो दिन है जब रियब सेंटर में मुझे फिर एक बार ऐसा जैसे जेल में कैदी को कैसे बांध के रखते हैं वैसे बांध के रखा था क्योंकि मैं चिल्ला रहा था कि शराब चाहिए 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 आई वॉन्ट दैट अलकोल आई वॉन्ट बिकॉज वो मेरा फिजिकल ना इतना क्रेविंग कर रहा था इतना क्रेविंग कर रहा था दैट अगर वो शराब नहीं मिली तो मृत्यु अटल है भाई मृत्यु अटल है और उसके लिए मैंने वहाँ पे चप्पल चोरी की वो इन्हों के एक दो पॉकेट चोरी गए और एक दो जन की वॉच चोरी गई जो जो मुझे रियाब सेंटर में मिला वो सब चोरी किया और मेरे दिमाग में यही थॉट था कि ये सब चोरी किया था और मम्मी ने बिस्किट दिए थे कि मेरा बच्चा वो पे कुछ तो खाएगा क्योंकि आठ दस दिन से मैं कुछ भी नहीं खाया था और रियाब सेंटर

और शरीर में जाएगा उसके लिए जो बेतालपन था वो जो क्रेविंग थी वो मुझे कुछ भी करने के लिए रेडी करती है एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट डेज इन द ईयर ऑफ 2013 9 नवंबर 2013 की रात की 2 बजे का वो समय था जब मैं रिहैब सेंटर से भागने के लिए कोशिश कर रहा था और सब चीजें इकट्ठा कर ली दिमाग में यही थॉट बाहर जाऊंगा ये, ये चीजों को बेचूंगा और एटलीस्ट एक नाइनटी जो गेट था वो गेट लागू की कोशिश की मेरे भाइयों और जो धनुष जैसा एरो होता है आप है आप सबको पता गेट के ऊपर धनुष धनुष्यमान जैसा एरो होता है वो एरो मुझे क्रॉस करना था और मुझे वो मेरी मंजिल दिख रही थी वो मंजिल थी शराब की घुट जाने ही वाला था ये सब चीज बेचने के बाद शायद भगवान को कुछ तो अलग मंजूर था भगवान ने पहला मौका दिया वो ये अभी तो मैंने टी शर्ट पहना है वो शर्ट के के बटन में वो वो का टोक जो था अटक गया और उस दिन मुझे पता चला कि परेश भगवान ने दिया हुआ मौका तो तेरे हाथ से कैसे गवा रहा है क्योंकि वो गेट मेरे हाइट से डबल था और धनुष्य का टोक वो ये कांच के बटन में अटका था और मुझे बिल्कुल देख रही थी कि अगर ये कांच के बटन में से ये धनुष्य का बांध का ये मौत में मेरे से देख रहा था और मैं भगवान को प्रे कर रहा था कि भगवान आज बचा, आज बचा ले आज बचा ले आज बचा ले शायद अगली बार ऐसे नहीं होगा ओके एंड गॉड ऊपर रियली गॉड की कृपा है आप सब भाइयों की कृपा है वो कांच का बटन में से वो ऑटोमेटिक यहां पे न घुसते यहाँ पे नहीं घुसा वो कांच का बटन यहाँ से टूट गया और फटाक से मैं पीछे आके गिर गया बाहर आया और मेरे कमर जितना वो एक आ, आ, कटड़ा था वो उसके ऊपर कांच लगे थे आ, यहाँ से कोई भाग ना पाए लेकिन शराब आदमी को इतना पागल बना देती कि मुझे वो कांच बीच कुछ नहीं दिख रहा था मुझे सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी कि जो भी चीजें मैंने रियाब सेंटर से चुराई है जो मम्मी ने मेरे बिस्किट दिए है ये बाहर जाके बेचना है मेरे कमर जितना वो हाइटेड था उसके ऊपर दोनों भी हाथ जोर से दबा दिए मेरे को मालूम था ये कांच है भैया मेरा हाथ कटरा वाला है बट शराब के प्रति वो प्यार था कि मुझे शराब चाहिए चाहिए, 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 चाहिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी होता हूँ बहने तो वाला खून मुझे आज भी याद है और खून खुद के चेहरों के ऊपर ऐसा है और तब पता चला कि पास। में आने के बाद जो तीन चार महीने के अच्छे दिन दिखे थे ना परेशान इसकी वश कंडीशन तू आज ये खून तेरा इसके लिए देख रहा है क्योंकि तूने अल्कोलिक एनिमल्स के भाइयों का सुना नहीं मेरे भाई चीक छीक के कह रहे थे कि परेश या नहीं तो कहा नहीं सला और मैं ये कह रहा था कि नहीं मैं खुद के लाइफ को खुद तो मैनेज कर पाऊंगा आप सही थे मैं गलत था आज पता चलता है आप हर एक के अनुभव सही थे आज पता चलता है आप हर एक जन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट मुझे कुछ देना चाहते थे आप सही थे मैं गलत था और जब आप सही थे ये पता चला वो लास्ट दिन था मेरे लाइफ का नौ नवंबर 2013 उसके बाद आज तक आज तक ना कभी दारू की याद ऐसे नहीं कहूंगा कि आ, क्रेविंग नहीं आई क्रेविंग आई लेकिन वो छुट भी गई मतलब एक्शन में नहीं हुआ उसका एक का रीजन है एक मात्र रीजन है अभी मैं नहीं अभी आप यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर मी बिकॉज यू आर माई ब्रदर्स आप जो बोलते हो ना आप सही हो आपके अनुभव सही है आपकी हर एक मतलब वर्ल्ड का कोई भी ट्रेनर जो मुझे चीज नहीं दे सकता है ना जो मुझे एजुकेशन नहीं दे सकता है जो ट्रेनिंग मुझे नहीं दे सकता है वो सब लोग आप देते हो यू आर द बेस्ट टीचर फॉर मी क्यों कहता हो दोस्तों आज जब लाइफ में दस साल पहले जाके देखता हूँ इसमें जो परिवर्तन हुआ है ना विशाल पांच मिनट लूंगा और खत्म कर दूंगा जो तीन महीने का अनुभव आनंद वाला लिया था वो पिछले दस साल से रोज ले रहा हूं मेरे भाई रोज ले रहा हूं वो चेहरे की स्माइल आज भी उतनी ही ताजी है आज वो मम्मी का प्यार है आज वो भाई का प्यार है आज वो बहने का प्यार है आज अब जब छोटा भांजा मामा 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 करके जब आंख मिलाता है जब प्यार करता है जब किस करता है ये प्यार के लिए मैं जिंदा था धिष तुषार पास ये सब बुरी चीज मेरी लाइफ से चली गई जो भी होना था जो भी हो रहा है वो पिछले दस साल से सब अच्छा हो रहा है अच्छा जॉब अच्छी वाइफ अच्छा एजुकेशन अच्छे कोचिंग क्लासेस अच्छा फैमिली अच्छा सोसाइटी अच्छा 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 बिल्कुल ये नहीं, नहीं कहूंगा कि बुरा नहीं हो रहा है बुरा बिल्कुल हो रहा है लेकिन वो बुरे के लिए सामना जो करना है ना वो आपके अनुभव आज मुझे देते है और धीष टू पास ये सब चीज आज मेरे लाइफ में परिवर्तन कर रही है आज आज जब खुद के मम्मी को देखता हो आज खुद के बहन को देखता हो आज खुद के रिलेशन को देखता हो तब जो दसवीं में जो तीन चीजों के ऊपर मुझे कॉन्सेंट्रेट करना था ना मटेरियल रिकवरी फिनांशियल रिकवरी सोशल प्रेस्टिज आज ये तीनों चीजों का रूपांतर एक में ही हुआ है जो मुझे बताता है विशाल पास परेश ना मटेरियल चीज तेरे लिए अच्छी है ना फिनेंशियल रिकवरी तेरे लिए अच्छी है ना सोशल प्रेस्टिज तेरे लिए अच्छा है ये तीनों का मिला के एक हाथ अच्छा है जो है स्पिरिचुअल का अध्यात्म का और वो दिया आप सभी ने अभी दिन रात 24 फोर आवर्स दिमाग में यही होता है कि रोज एक अध्यात्म अनुभव लेने चलो रोज एक स्पिरिचुअल रिकवरी लेने चलो और दोस्तों में स्पिरिचुअल रिकवरी के पीछे भागता हूँ भगवान की क्या इच्छा है क्या मालूम नहीं मटेरियल चीज ऑटोमेटिक आने लगी है फिनेंशियल चीज ऑटोमेटिक आने लगी है पैसा ऑटोमेटिक आने लगा है लेकिन ले। आप सब क्या बोलते हो मुझे ये प्रियोरिटी है इसके ऊपर टिका हूँ जिस दिन तक ये इसके ऊपर टिका रहूंगा मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप की आप सबके अनुभव से मैं आगे बढ़ते रहूंगा जिस दिन ये फिर चीज अध्यात्मिक रिकवरी से अच्छा मैं मटेरियल चीज को दूंगा मुझे मालूम है ये भी दिन तेरे जाएंगे और गंदी चीजें तुझे देखने लगेगी आई एम वेरी कि आप सबने मुझे सुना थैंक्स टू ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच